उपाध्याय, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको फिजिक्स में हमने उसके बारे में बात की थी, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में, टोटल रिफ्लेक्शन, जो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन था उसके बारे में जाना था हमने। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो बाहर नहीं जा पाता, जिससे हमें वो चीज़ें चमकीली दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हीरे का चमकना हो गया, और आपका मरीचिका का बनना हो गया, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना हो गया। तो ये सब किस पे आधारित हैं? ये सब हैं पूर्णांतरिक परावर्तन पे। तीनों नियम हमें बहुत ज़रूरी हैं याद होने। किसी बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें। फिजिक्स की जो वीडियो हैं वे सारी फिजिक्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से अपनी फिजिक्स को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल की हम फिजिक्स को कंप्लीट करा रहे हैं, है ना। आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, तो ये आपका जो है, आप NTPC ग्रुप डी जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, या जिसमें भी GK है, ऐसा स्पेशल नहीं है कि ये ग्रुप डी और NTPC, बस हम फोकस करके चल रहे हैं NTPC और ग्रुप डी के लिए, और आपके CPT सेकेंड तक मतलब सफिशेंट हो गई। इस लेवल को हम इसे बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल से जुड़े, और नोटिफिकेशन के लिए जो साइड में बेल आइकॉन है उसे भी आप दबा लें, जिससे कि आपको जो भी हमारी वीडियो मिले, चाहे मैथ की हो, फिजिक्स की हो, या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, आपको मिलती रहे। तो आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था। अब जिसने दर्पण की वीडियो नहीं देखी तो वो दर्पण की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि दर्पण जो इस तरह से पढ़ाया गया था कि इसके तुरंत विपरीती क्या होता है, लेंस होता है। देखो, दर्पण में और लेंस में क्या अंतर है, दर्पण और लेंस में अंतर बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, कि अंतर क्या होता है। इसमें अंतर होता है कि अगर आप दर्पण में देखोगे, भाई हमारे घर का शीशा है, हम शीशे में देखते हैं, तो क्या हम उसमें आर पार देखते हैं? अगर किसी चीज़ में आर पार दिखाई देगा तो हमें अपना प्रतिबिंब ही नहीं दिखाई देगा। जब हमें प्रतिबिंब ही नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पे उसमें होता क्या है, अगर हम दर्पण में देखते हैं तो पीछे की तरफ ग्रीन ग्रीन सी पॉलिश होती है, जो कांच की पॉलिश होती है, तो वो हमें दूसरी तरफ नहीं देखने देती, उसमें हमारा ही उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब हमारी इमेज बनती है, उसको बोलते हैं हम दर्पण। दर्पण भी मैंने आपको दो प्रकार का बताया था, एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। लेकिन अब हम लेंस के बारे में बात करेंगे। तो लेंस का होता क्या है दोस्तों, लेंस भी अपने आप में दो प्रकार का होता है। लेंस उसे कहते हैं जिसके हम आर पार देख सकें, जो पारदर्शी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेंस को हम ऑप्टिकल भी मतलब कहते हैं, कि आप देखते हो कि अगर आप चश्मे बनवाने जाओ तो उसमें हम किस चीज़ का यूज करते हैं, लेंस का, क्योंकि लेंस के ही आर पार देखा जा सकता है, जबकि दर्पण के आर पार नहीं देखा जा सकता। ये बहुत ही मेन अंतर है इसमें, ठीक है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि लेंस जो है, लेंस कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, लेंस होता है दो प्रकार का, एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है आपका अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। कितने प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल लेंस। अब ये जो उत्तल और अवतल लेंस है, देखो, उत्तल लेंस जो होता है ये होता है किनारों से पतला और बीच से मोटा। ये होता है किनारों से पतला और बीच की साइड से होता है दोस्तों मोटा। जबकि ये वाला जो लेंस होता है, ये आपने देखा होगा, इस तरह का लेंस होता है, मतलब बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है, ठीक है दोस्तों। उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में यही डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश को सिकोड़ता है, जो उत्तल लेंस है आपका, ये प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। उत्तल लेंस प्रकाश को सिकोड़ता है, जबकि दर्पण में इसका उल्टा था, वो प्रकाश को क्या कर रहा था, फैला रहा था, सिकोड़ता है। इसलिए इस लेंस को, जो उत्तल लेंस है हमारा, इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। अवतल लेंस में ये प्रकाश को फैलाता है,
इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। क्वेश्चन आता है अपसारी लेंस के नाम से किसको जाना जाता है, तो अवतल लेंस को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, अवतल लेंस को जाना जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। जो उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी अवतल लेंस की, उसकी होगी नेगेटिव, जिसको हम ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक। इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक और इसको बोलते हैं दोस्तों धनात्मक, ठीक है, इसको ऋणात्मक और इसको धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। आपने सुना होगा कि जो मनुष्य की आँख है, मनुष्य की जो नेत्र है, मनुष्य की आँख, मनुष्य नेत्र, ह्यूमन आई, किसकी मतलब उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें लेंस होता है हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस में मैंने आपको बताया कि इसकी जो दूरी होगी फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी, वो कैसी होती है दोस्तों, वो होती है पॉजिटिव। एक क्वेश्चन आता है कि लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है, लेंस की शक्ति को किससे मापते हैं दोस्तों, लेंस की जो क्षमता होती है वो किससे मापी जाती है, तो लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों उसे मापते हैं हम डायोप्टर के द्वारा। किसके द्वारा, डायोप्टर के द्वारा, डायोप्टर, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या लेंस की इकाई, किसको बोलते हैं, डायोप्टर को बोलते हैं, लेंस की इकाई बोलते हैं दोस्तों डायोप्टर को। और आपको पता है मैंने आपको बताया था लेंस की शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों, डायोप्टर बताना है। आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने चश्मे के लिए अगर आपको चश्मा बनवाना है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी आँख को चेक करके ये बोल देता है कि भाई 1.5 नंबर का लगेगा, 2 का लगेगा, 3 का लगेगा। एक्चुअल में वो बाद में बोलना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में वो उस नंबर को बताना चाह रहा है कि आपके जो है 2 डायोप्टर का चश्मा लगेगा, 2 नंबर का चश्मा लगेगा, 3 नंबर का लगेगा, 9 नंबर का लगेगा, तो वो नंबर क्या है, डायोप्टर है। वो डायोप्टर में बोलना चाहता है क्योंकि लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डायोप्टर का। अगर हमें किसी की शक्ति मापनी है तो हमें उसकी फोकस दूरी पता होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डायोप्टर लेंस की क्षमता मापने के लिए 1/फोकस दूरी। और आपको पता है क्योंकि हमारी आँख में उत्तल लेंस है तो वो चेक करता है, तो उसकी दूरी हमेशा भी बताई है मैंने कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसकी दूरी कैसी होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। और इसको हम किससे संकेत करते हैं, इसको हम संकेत करेंगे DR से। किससे संकेत करेंगे, DR से संकेत करेंगे, फोकस दूरी में DR से संकेत करेंगे डायोप्टर को। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति मापने की इकाई क्या है, डायोप्टर है। चलिए अब बात करेंगे इसके उदाहरण की, जो उदाहरण इसके पूछे जाते हैं दोस्तों उसकी बात करेंगे अब हम, कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक बात इससे पहले थोड़ा सा आप ये समझो कि जो उत्तल लेंस होता है, जो अवतल लेंस है उसे लेंस में आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। ये भी बात आपको नोट करनी है कि जो हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल, यह है अवतल लेंस के लिए, अगर दर्पण की बात होती तो फिर यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाता, अवतल लेंस के लिए। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अगर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों, ठीक है। दो बात आपको ध्यान रखनी है, ये हो गया अवतल लेंस के लिए और ये हो गया उत्तल लेंस के लिए। आपने देखा होगा हम जो है उत्तल लेंस पढ़ते, उत्तल दर्पण पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण, अगर दर्पण में पढ़ते हैं तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा नहीं बनता, यहाँ पे कैसे बनता था, वो छोटा प्रतिबिंब बनता था।
क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का एक एग्जांपल दिया था कि वाहनों के साइड शीशों में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो दर्पण है। यहाँ पर हम लेंस पढ़ रहे हैं, इनमें उल्टा और विपरीत संबंध है। वो कैसे? क्योंकि देखो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा था तो वो वास्तविक बन रहा था सीधा और छोटा प्रतिबिंब, और यहाँ पर जो है आभासी है ना, और सीधा बन रहा है आभास कर रहे हैं और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसमें देखो बड़ा प्रतिबिंब, उसमें छोटा बनता था वाहनों के साइड शीशों में, भाई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको ट्रक भी उस छोटे से शीशे में दिख जाता है, तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, इसलिए हम आराम से देख पाते हैं। जबकि लेंस में देखते हैं उत्तल लेंस में कि ऐसा होता क्या है, ठीक है? तो इसका विपरीत है। अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे, पहले उदाहरण आप लिखेंगे, पहले हम चलो अवतल दर्पण के उदाहरण देखते हैं। अवतल दर्पण के उदाहरण, उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं कि बताओ ये किसका उदाहरण है, सॉरी फिर मैं दर्पण लिख रहा हूँ, उसमें लेंस लिखेंगे। अवतल लेंस के उदाहरण, अवतल लेंस के उदाहरण दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं? अवतल लेंस के उदाहरण हो सकते हैं गैलीलियो के दूरदर्शी में, गैलीलियो के दूरदर्शी में, दूरदर्शी में पानी में बना बुलबुला, पानी में बना बुलबुला। देखो भाई गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। हम किसका प्रयोग करते हैं? हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पानी में बुलबुला, पानी में छोटा जो बुलबुला बनता है ना, उसके लिए भी कांच में पानी का बुलबुला, पानी में वायु का बुलबुला, ये सब किसके उदाहरण है? अवतल लेंस के उदाहरण है। और यदि हम उत्तल लेंस के देखेंगे दोस्तों, उत्तल लेंस के बहुत सारे उदाहरण हैं, सूक्ष्मदर्शी में करते हैं इसका सबसे पहले तो उत्तल लेंस का। अब हम उत्तल लेंस का देखते हैं, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी वस्तु को देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। दूसरे नंबर पर लिखेंगे आप प्रोजेक्टर में, भाई प्रोजेक्टर में कोई भी प्रोजेक्टर आप देखते हो, प्रोजेक्टर चलाते हैं हम पूरे बोर्ड पे, हमें अक्सर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, वो किसके कारण है? क्योंकि हमने बताया आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, इसमें उत्तल लेंस में कौन सा बनता है? आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, तो प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर में हम इसका करते हैं प्रयोग। दूसरा यदि बात देखें तो हाथ के लेंस में, हाथ का लेंस आपने देखा होगा जिससे हम बचपन में स्कूल में बैठकर, स्कूल में बैठकर वो जलाते थे कागज़, हाथ के लेंस में, उस लेंस में यदि आप कोई वस्तु देखोगे तो हमें बड़ी दिखाई देती है दोस्तों, जिससे हम मतलब कागज़ फूकने का काम करते थे उस वाले लेंस में, तो उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। वो लेंस है, लेंस वही है मैंने आपको बताया जिसके आर पार हम देख सकते हैं। हाथ के लेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आँख के लेंस में अभी बताया मैंने कैमरे का लेंस है ना, आँख का लेंस, आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, आँख में इसका प्रयोग करते हैं। पाँचवें नंबर पर कैमरे में, कैमरे का लेंस, कैमरे का लेंस, कैमरा देखा होगा आपने, कैमरा एक पहले वैसा भी कैमरा आता था जिसमें हम फोटो वगैरह देखते थे, उसमें एक छोटा लेंस लगा हुआ होता है, तो हमें छोटे फोटो जो है वो बड़े करके दिखाता है, और जब वो बड़े करके दिखाता है तो भाई छोटा जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बताया मैंने आपको? उत्तल लेंस में। तो कैमरे का जो प्रतिबिंब होता है, अब तो देखो ये बड़े बड़े से कैमरे आने लगे, लेकिन इससे पहले एक कैमरा और आता था जिसमें वीडियो रील लगती थी है ना, जिसमें वो होती थी कि भाई फ़ोटो जो है ब्लैक एंड वाइट जिसमें आते थे, तो उसमें भी लेंस जो होता है, कोई सा भी आप कैमरा ले लो, आपके भी जो कैमरे हैं उसमें भी कैमरे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है भैया। उत्तल देखो, अवतल दर्पण के उदाहरण ज़्यादा और यहाँ पर उत्तल लेंस के उदाहरण ज़्यादा, ऐसे आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको ध्यान रखने हैं, जितने भी उदाहरण इससे बने हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हमारा लेंस का टॉपिक आज कंप्लीट होता है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से है ना, और जो भी है, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसका लगातार रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है? एक दिन एक वीडियो मैं ऐसी लाऊंगा कि जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं है ना, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि जो है और भी बालक हमारे से जुड़ सके और हमें भी अच्छा लगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।